नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं विशेष खबर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2020-21 के अनुपालन में अमरजीत त्रिपाठी जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकर नगर के निर्देशानुसार दिनांक 7/8/2020 को 4 बजे से देवकरा हॉल में विकास खंड अकबरपुर अम्बेडकर नगर में आत्मरक्षा विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आत्मरक्षा विषय पर बोलते हुए अशोक कुमार सचिव सिविल जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकर नगर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति स्वयं की जान व माल की रक्षा के लिए किसी को रोके या उससे अपने बचाव के लिए कोई भी साधन का उपयोग करे वह आत्मरक्षा होती है। व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी डकैती शरारत व आपराधिक अत्याचार के खिलाफ कर सकता है। ऐसा वह किसी दूसरे की जान बचाने के लिए भी कर सकता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह आत्मरक्षा में आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक की धारा में सभी नागरिकों को आत्मरक्षा का समान अधिकार मिलता है। संविधान हमें बराबरी का हक देता है। हमें अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत है। हमारा शोषण तभी होता है जब हमें इसे अपना भाग मानकर सहते हैं। हमें अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत है। यह धाराओं में व्यक्ति की अपनी जान संपत्ति व दूसरे की जान से रक्षा व किसी को परिस्थित बस जान से मारने व मंदबुद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्यों को बताया गया है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाने या भड़काने पर किसी तरह के मामले में फंसता है तो वह आत्मरक्षा की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें यह भी कहा गया है, पुलिस का यह भी कर्तव्य है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच करे तथा आत्मरक्षा के मामले पर उचित कार्यवाही करते हुए निर्दोष को न्याय दिलाए। उन्होंने निःशुल्क मोबाइल नंबर 181-1090-1098 एवं डायल 100 के बारे में बताया कि यदि आप किसी विषम परिस्थिति में इन नंबरों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको अविलंब सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शिविर को संबोधित करते हुए शालिनी ओझा महिला कल्याण अधिकारी अंबेडकर नगर ने बताया, आत्मरक्षा का अधिकार रक्षा या आत्मसुरक्षा का अधिकार है। इसका मतलब प्रतिरोध या सजा नहीं। आत्मरक्षा के दौरान चोट जितनी जरूरी हो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह अधिकार सिर्फ तभी तक ही उपलब्ध है जब तक कि शरीर अथवा संपत्ति को खतरे की उचित आशंका हो या जबकि खतरा सामने हो या होने वाला हो। आत्मरक्षा को साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होती है। यह वह तथ्यों व परिस्थितियों के द्वारा यह साबित करे कि उसने यह कार्य आत्मरक्षा में किया है। आत्मरक्षा के अधिकार का प्रश्न केवल अभियोग द्वारा तथ्यों व परिस्थितियों के साबित करने के बाद ही उठाया जा सकता है। अभियुक्त पर घाव के निशान आत्मरक्षा के दायों को साबित करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इस शिविर में गायत्री सिंह, देवेंद्र प्रताप वर्मा, अजय कुमार, सिद्धार्थ सिंह, सहनशाह, अखिलेश, जयदीप वर्मा, शिव कुमार वर्मा, जितेंद्र सिंह, प्रदीप, विकास सिंह भारती एवं विकास खंड के कर्मचारी एवं मीडिया कर्मी आदि उपस्थित। इसी तरह सबसे तेज न्यूज पाने के लिए सर्विलांस खबर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।